नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 11 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं प्रदेश की बड़ी खबरें। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सीतामढ़ी में छात्र राजद नेता मुकेश यादव ने रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों को मास्क और साबुन के साथ साथ सैनिटाइजर भी बांटा, साथ ही बीमारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। मुंगेर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सोनू उर्फ हसनैन मोहम्मद नाम के एक मास्टरमाइंड तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 3 पिस्टल के साथ ही 4 मैगजीन बरामद किया है। जिसकी जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कई राज्यों में हथियार सप्लाई करने का काम किया करता है। शिवहर पहुंचे तिरहुत रेंज के आईजी गणेश कुमार ने पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए, साथ ही उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि विभिन्न कांडों में फरार चल रहे अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बेगूसराय में अपराधियों ने शराब के नशे में 2 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी खत्म कर 2 पुलिसकर्मी घर लौट रहे थे, उसी दरमियान शराब के नशे में 4 अपराधियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया और उनके साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे लोगों ने दोनों घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया। पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के चेक पोस्ट के पास सड़क पार कर रही एक महिला को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके साथ ही एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर घटना के बाद नाराज लोगों ने हाईवे को जाम कर खूब प्रदर्शन किया। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के बाद लोगों में उत्पन्न हुए भय को देखते हुए पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से जागरूकता कैंप लगा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान डॉक्टर विजय कुमार ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि लगातार खांसी बुखार और सांस लेने में दिक्कत होने के बाद नजदीकी अस्पताल में जरूर दिखाएं, किसी भी तरीके का दवा स्वयं से ना लें। छपरा जिले के मोढ़रा प्रखंड गेट पर माध्यमिक शिक्षक संघ के अनुमंडल सचिव अवधेश यादव और डॉक्टर नागेंद्र राय के नेतृत्व में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें शिक्षकों ने सड़क से गुजर रहे लोगों को साफ सफाई रहने की विशेष जानकारी दी। साथ ही करीब 100 से ज्यादा लोगों को साबुन से हाथ धुलवाया और कोरोना वायरस से बचाव के लक्षण भी बताए। छपरा जिले के नगरा प्रखंड क्षेत्र के गोपालपुर गाँव में एक युवक ने कोरोना वायरस का लक्षण पाया गया है, जिसके जांच के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि युवक कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं, फिलहाल उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि युवक नोएडा से घर आया है। छपरा जिले के परसद थाना क्षेत्र स्थित पुरैना गांव के खेतों में एक युवती का नग्न अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसे देखने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। वही अपराधियों ने घटना को अंजाम देने के बाद युवती को जान से मारकर फेंक दिया है। वही घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। खबर लिखे जाने तक युवती की पहचान नहीं हो पाई थी। छपरा जिले में समान काम समान वेतन की मांग को लेकर 30वें दिन आंदोलन पर बैठे शिक्षकों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही शिक्षकों ने आंदोलन जारी रखते हुए कहा कि सरकार को समान काम के बदले समान वेतन शिक्षकों को देना चाहिए। समान काम समान वेतन को लेकर बेगूसराय में भी शिक्षकों का हड़ताल जारी है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना आपदा घोषित होने के बाद हड़ताली शिक्षकों ने भी अपनी राजनीति में बदलाव किया और अब शिक्षक कोरोना वायरस से बचने के लिए गांव-गांव में घूमकर लोगों को जागरूकता अभियान चला गाँव के लोगों को कोरोना वायरस की बीमारी के प्रति जागरूक कर रहे हैं। सुपौल जिले में कोरोना का एक संदिग्ध मरीज मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मरीज का तबीयत बिगड़ने के बाद उसे सदर अस्पताल में लाया गया था, जिसमें डॉक्टरों ने कोरोना वायरस का लक्षण देख उसे डीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया, जहां अब उसका इलाज चल रहा है। तो प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 1 11 और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।